आप जो क्रिस बम्सटेड की बात करते हो, उसने भी अल्टीमेटली ये सब जीतने के बाद अपना सप्लीमेंट कंपनी खोला है। जब बिजनेस ही करना है तो इतने सारे ड्रग्स लेके क्या करोगे आप? तुम सारों की मसल मिला लेंगे ना, तब भी ये जो लेजेंड बॉडी बिल्डर के बारे में तुम बोल रहे हो ना, तब भी ये कुछ खाएगा भी ना, तब भी तुमसे बढ़िया बॉडी रहेगी इनकी। हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइज, जैसा कि सब जानते हैं, इस टाइम पे जीत सिलाल और रोहित खत्री भाई के बीच में काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी चल रही है नेचुरल और स्टेरॉइड्स को लेके। आइए देखते हैं किस तरह इनकी कॉन्ट्रावर्सी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और जो मैं ये नेचुरल सुप्रीमेसी कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है भाई, ये इमोशन है, ये जज्बात है हमारे। और ये जज्बात हमें ये याद दिलाते हैं क्या हम लोग अलग है भाई, वी आर डिफरेंट विद डिफरेंट ब्रीड। जो 10-15 साल से इतनी लुक्रेटिव, इतना अट्रैक्टिव लगती है चीजें कि इंजेक्शन लेके बस बॉडी बना के तबाह कर दूं, उससे अपने आप को रोक के रखना एक बहुत बड़ी चीज है। गर्व महसूस करो, हम नेचुरल है, हमने इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनाई, हम सुपीरियर ब्रीड है, हम पता नहीं कौन सी ब्रीड है। भाई क्या दिखाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है तुम नेचुरल हो, पर बॉडी बिल्डिंग को इस तरीके से बोलना, बॉडी बिल्डिंग के लोगों को ये बोलना कि इंजेक्शन लेके तो कोई भी बॉडी बना देगा, इंजेक्शन लेने वाले लोग मर्द नहीं होते, और पता नहीं कितनी चीजें बताऊंगा भाई, जल्दी बताऊंगा, रुक जाओ। एक तो बॉडी बिल्डिंग में क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया ये 65 किलो की मसल लेके। जो लोग नेचुरल है ना भाई, वो बहुत अच्छी बात है, पर तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को नीचे की दिखाना चाह रहे हो और अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे हो ये 65 किलो की मसल लेके, और जेनेटिक्स की बात करते हो। तुम्हें क्या लगता है ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो भी है इनके जेनेटिक्स नहीं है? अगर गलत फहमी दूर करनी हो ना ये 65 किलो की मसल लेके, तो अमेचर ओलंपिया हो रहा है, शेरू क्लासिक होता है, 2 बार होता है साल में, कभी आ जाना पता चल जाएगा। देखो भाई, आप लोगों को मैं फैक्ट बताता हूँ कि आप किसी भी रीजन से अगर स्टेरॉइड्स और ड्रग्स लेने की सोच रहे हो ना, चाहे आपको अच्छी बॉडी चाहिए या फिर आप कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो और आपको यू नो यूएसए जाना है किसी पर्टिकुलर स्टेज में खड़ा होने के लिए, मिस्टर ब्ला 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 बनना है, इतनी बात मान के चलो कि आपकी बॉडी में उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल लिया और 1 साल में आप उस स्टेज में पहुंच जाओगे, लगातार कई सालों तक आपको लेना पड़ेगा, 7-8 साल 10 साल तक लेना पड़ेगा, आपकी बॉडी नहीं झेल पाएगी इतना, ठीक है। और जो लोग पहुंच रहे हैं ना वहां, वो अंदर से खत्म हो गया सब काम, हार्मोनल इम्बैलेंस, लिवर, किडनीज, हार्ट, सब कुछ खत्म है। अगर आपको ये बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो किसी प्रॉपर प्रोफेशनल प्रो बॉडी बिल्डर से एक बार जाके पर्सनली पूछना, ठीक है, कि वो हर 2-3 महीने में अपने डॉक्टर से क्या बात करता है, उनके डॉक्टर उनसे क्या कहते हैं कि बेटा अभी आपका लिवर ठीक नहीं हुआ है, रिकवर नहीं हुआ है, मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। आप एक 70 साल के बूढ़े को जो प्रॉब्लम होनी चाहिए लिवर की, किडनी की, वो आप जवानी में लेके घूम रहे हो, ये मतलब कोई जिंदगी है ये? कैसी बातें करते हो आप लोग? पैसे ही कमाने हैं ना बॉडी बिल्डिंग करके, आपको फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए ना, तो वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा यार। और बॉडी दिखा के कभी भी किसी को सब कुछ नहीं मिला। आप जो क्रिस बम्सटेड की बात करते हो, उसने भी अल्टीमेटली ये सब जीतने के बाद अपना सप्लीमेंट कंपनी खोला है। जब बिजनेस ही करना है तो इतने सारे ड्रग्स लेके क्या करोगे आप? जान रहेगी तभी तो पैसा कमाओगे, जान रहेगी तभी तो उस फेम का कुछ फायदा होगा, माँ बाप का ध्यान रख पाओगे, मतलब बेसिक चीज समझो ना। मैं किसी इन्हेंस प्लेटफॉर्म की या किसी इन्हेंस बॉडी बिल्डर के खिलाफ नहीं हूँ भाई, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली जनता है, जो यंग बच्चे हैं, उनको कम से कम सद्बुद्धि तो दूं। मतलब आप लोगों के पास जब एक ऑप्शन है भाई, आप लोग सपना देखो ऐसे प्लेटफॉर्म का जो आपको हेल्थियर वर्जन की तरफ लेके जा रहा है और वही सारे बेनिफिट्स दे रहा है, सो अंडरस्टैंड भाई, आपका दुश्मन नहीं। तो ये 65 किलो के नेचुरल एस्थेटिक बोल रहे हैं कि जो भी ये लेजेंड बॉडी बिल्डर है ना, जिन्होंने स्टीरोइड लेके बॉडी बनाई है, एट द एंड इन्होंने खोलना तो सप्लीमेंट कंपनी थी ना, चलाने तो सप्लीमेंट ही थे ना, तो बिना स्टीरोइड लेके खोल लेते, क्या फ़ायदा बॉडी को ख़राब करने का स्टीरोइड लेने का? तो भाई एक लेगेसी क्रिएट करना होता ज़िंदगी में, समझे? जो बॉडी बिल्डिंग है ना, जितने भी लेजेंड है, लोग उनको फॉलो करते हैं, समझे? पर तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, ये 65 किलो की मसल लेके जो घूम रहे हो ना, जो बार बार बोल देते हो कि स्टीरॉइड डाल के बॉडी खराब हो जाएगी, मतलब दुनिया में और सारी चीज़ें बढ़िया है, स्टीरॉइड ही खराब चीज़ है, स्टीरॉइड से ही बॉडी खराब होएगी, और जो तुम करने लग रहे हो, दुनिया उल्टा सीधा खाने लग रही है, वो सारी चीज़ें बढ़िया है। तुम सारों की मसल मिला लेंगे ना, तब भी ये जो लेजेंड बॉडी बिल्डर के बारे में तुम बोल रहे हो ना, तब भी ये कुछ खाएगा भी ना, तब भी तुमसे बढ़िया बॉडी रहेगी इनकी।